नमस्कार साथियों, मैं दीप्ति पिछले एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नए स्कूटी बैच में। और आज स्कूटी बैच का सेकंड डे है। अभी ऑन रोड प्रैक्टिस चल रही है, बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, तो कुछ इस प्रकार से स्कूटी वाली प्रैक्टिस करती हैं। अब यहाँ पर करना है इनको बैक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बैक करना है और देख सकते हैं आप, देखिए थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट वो चल रहा है। देखिए यहाँ पे पीछे से गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी अपनी स्कूटी को स्टॉप कर लेंगे, गाड़ी को आगे को जाने देंगे। इसके बाद करिए करिए सवा स्टान करिए, करो 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 करो, टर्न करो टर्न, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आराम आराम से इन्होंने टर्न किया और ऐसे ही लगातार 1 आवर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, स्कूटी हैंडल हो रही है। देखिए स्कूटी को बैलेंस करने के लिए आपने स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी इसी प्रकार से, है कि नहीं? और मेहनत तब तक करेंगे जब तक कि आपको बैलेंस ना मिल जाए। और जैसा कि इनसे जानते हैं लगभग हमको 1 आवर कम्प्लीट होने को है। बेटा आज कौन सा डे है आपका? सेकेंड डे है, तो कैसा फील हो रहा है अभी? थोड़ा आ रहा है कॉन्फिडेंस। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इनकी कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ, उसके बावजूद बढ़िया तरीके से स्कूटी को कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो आपने सोचा था सेकेंड डे में मैं स्कूटी को कंट्रोल कर लूँगी, टर्न कर लूँगी, बैक वगैरह सब खुद से कर रहे हो ना, कैसा अच्छा लग रहा होगा? तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, और बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है? तो लगातार चलिए। तो दोस्तों आपने देखा जो ये स्कूटी प्रैक्टिस होती है, जैसे ही आपको रेस और ब्रेक दो चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप लगातार प्रैक्टिस करिए। विद इन 1 आवर आप प्रैक्टिस करते रहिए, और 1 मिनट के लिए भी अपने को रेस्ट मत दीजिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। रेस्ट मत दीजिए कहने से मतलब ये है कि बार बार रोक के ये नहीं सोचना है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी सोचे बिना आपने लगातार 1 आवर पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो 1-3 घंटे में आपका बैलेंस यार बढ़िया तरीके से बन जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आप बिना सोचे पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करिए बस। तो अभी देखते हैं इनको, और जो वीडियोस डालती हूँ इनके पीछे कोशिश करती हूँ कि आपका थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर पाऊँ, तो यार ये वीडियो डालने का जो मकसद है वो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखिए मैं तो ऐसे ही वॉक कर रही हूँ वीडियो शूट के लिए, बट ये जो बच्ची स्कूटी सीखने के लिए आई हुई है ये बढ़िया तरीके से स्कूटी को हैंडल कर ले रही हैं। और देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी आ रही हैं जा रही हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि या किसी ग्राउंड में जाइए या बिल्कुल शांत रोड होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, शांत रोड अगर होगा, रोड बिल्कुल शांत होगी, तो यार गाड़ियों के बीच में चलने में आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल डगमगाएगा आपका, और कॉन्फिडेंस तुरंत आ नहीं पाएगा कि ट्रैफिक में कैसे चलाया जाए। अगर देखिए स्टार्टिंग से फर्स्ट डे सेकंड डे से मैं रोड में प्रैक्टिस करा रही हूँ। फर्स्ट डे मैंने अप डाउन वाले पोर्शन में दिया, बैक कर लो बैक, अप डाउन वाले पोर्शन में दिया। और आज देखिए देख सकते हैं एकदम सीधी और चौड़ी रोड है, तो हमने ऐसी रोड देखनी है सीधी और चौड़ी जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आज ऐसी रोड में हम प्रैक्टिस के लिए आए हैं, सेकेंड डे है, तो देखिए गाड़ी भी आ रही है बीच में, स्टार्टिंग से गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो गाड़ियों से जो डर होता है वो इनके अंदर नहीं रहेगा। चलो बेटा चलो, शाबाश, आराम से, हल्का हल्का, क्या बताया था मैंने, कम बढ़ाओ, चलो चलो शाबाश, अरे वेरी गुड वेरी गुड, हल्का 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 हल्का, रेस कम, वेरी गुड, हल्का हल्का हल्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी स्कूटी को टर्न कर लिया, और जैसा कि इक्का दुक्का गाड़ी चलते रहेंगी और ये गाड़ियों को देखते रहेंगी,
और वहाँ पे अपनी स्कूटी को संभालेंगी तो इनको गाड़ियों से डर नहीं लगेगा। पहले से कंडीशन फेस कर रही हैं, गाड़ियों को पास दे रही हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा इनका और बढ़िया तरीके से एक परफेक्ट राइडर बनेंगी। अदरवाइज अगर इनको मैं शांत रोड में लेके जाऊं या किसी ग्राउंड में लेके जाऊं तो ग्राउंड के जो गलत इफेक्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस के, वो ये होते हैं कि आपको रोड में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, प्लस ग्राउंड खाली है तो यार खूब बढ़ा के स्पीड बढ़िया तरीके से गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन रोड में फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जिनको सिखाने वाले लोग साथ में नहीं है वो लोग ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे तरीके से बैलेंस अचीव होने तक, बैलेंस मिलने तक। तो बस ये है कि कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है और जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे कि आज सेकेंड डे है और सेकेंड डे में ये सोचे कि मेरे को आज ही अभी बैलेंस करना है, आज ही अभी बैलेंस कर लूँ और फटाफट चलाने लगूँ, तो यार टाइम लगता है थोड़ा सा। प्रैक्टिस करते रहिए और पॉजिटिव थॉट्स रहने दीजिए अपने अंदर कि यार मेरे को जब तक मेरा बैलेंस नहीं बनेगा, जब तक मैं एक परफेक्ट राइडर नहीं बनूंगी, मैं स्कूटी छोड़ने के बारे में, स्कूटी चलाना सीखना छोड़ने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। और आई हैव टू लर्न स्कूटी, आई हैव टू राइड स्कूटी, तो ये हमने सोचना है और प्रैक्टिस करते रहना है। और परसों थोड़ा सा स्कूटी ठुक गई थी जिससे इसके बैटरी में भी कुछ असर कर गया है और स्टार्ट करने के लिए किक मारनी पड़ी है। बैक कर लो बाबा, बैक कर लो। बैक करने के लिए देखिए हमेशा एक बार पीछे देख लेंगे फिर आगे देखेंगे। जैसे ही रास्ता हमें लग रहा है कि भाई गाड़ी नहीं है तो हम लोग अच्छे तरीके से टर्न कर लेंगे। ये कर ली हमने टर्न, तो सेकेंड डे में स्कूटी हैंडल हो जा रही है। और हाथ देखिए ध्यान से, ये मुट्ठी खोल जैसा रही है, मुट्ठी अच्छे से ग्रिप अच्छे तरीके से बननी चाहिए आपकी अपनी स्कूटी पे। वेरी गुड, बढ़िया हो रहा है। हाँ चलिए सीधे बढ़ाइए सबस, ठीक लग रहा ना बाबा? हाँ चलो, टाइम भी हो गया है और 1 आवर कंप्लीट हो चुका है और आज की प्रैक्टिस ये थी कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। और स्कूटी की सारी वीडियोस आपके बीच लाने की कोशिश करूँगी। और तो इसी के साथ मैं दीप्ति बिस्ट आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय।